जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 556 के रिजेक्ट अभ्यर्थियों ने प्रदेश सरकार से बर्न टाइम रिलैक्सेशन देने के मुद्दे पर दूसरे दिन भी अपना धरना जारी रखा। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग के बाहर धरने पर बैठे अभ्यर्थियों का कहना है कि वर्तमान में लागू किए गए RNP रूल्स ने जिन अभ्यर्थियों को नौकरी से वंचित रखा है, उन हजारों बेरोजगार अभ्यर्थियों ने अपने हितों की सुरक्षा के लिए सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखी है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के RNP रूल्स में केवल सरकारी संस्थान के कंप्यूटर डिप्लोमा को ही मान्यता दी गई है, जबकि रूल्स के हिसाब से हायर एजुकेशन व सोसाइटी से किए गए डिप्लोमा को रिजेक्ट कर दिया गया है। हालांकि इससे पहले हुई पोस्ट कोड 447 के तहत JOA की भर्ती में प्राइवेट सोसाइटी डिप्लोमा डिग्री धारकों को मौका दिया गया था। पोस्ट कोड 556 में रिजेक्ट किए गए सभी अभ्यर्थियों ने खाली बचे हुए पदों पर OTR प्रदान करने की मांग की। अभ्यर्थी अभिमन्यु का कहना है कि पोस्ट कोड 556 में वेटिंग लिस्ट भी जारी की जाए और खाली बचे पदों के ऊपर वन टाइम रिलैक्सेशन के तहत रिजेक्ट किए गए अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट के आधार पर मौका दिया जाए। उन्होंने सरकार को चेताया कि अगर सरकार ने उनकी जायज मांग को नहीं माना तो आगे भी अभ्यर्थी अनशन पर बैठे रहेंगे, जिसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि सरकार उनके भविष्य को ध्यान में रखते हुए कोई ठोस फैसला ले। आपको बता दें कि जूनियर ऑफिस IT के पद के लिए वर्तमान में जो RNP रूल्स लागू किए जा रहे हैं, उनकी वजह से प्रदेश के 70-80% युवा इस पोस्ट के टेस्ट को भरने के लिए अपात्र घोषित किए जा चुके हैं। ब्लू स्टार सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल हमीरपुर का एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सुजानपुर कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर अनिल गौतम ने शिरकत की। कार्यक्रम में बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बच्चों ने देशभक्ति और अन्य सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भी खूब प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में बच्चों सहित अभिभावकों ने भी हिस्सा लिया और कार्यक्रम का खूब आनंद उठाया। स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर सुमन लता ने बताया कि आज उनके स्कूल का एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कि स्कूल के सभी बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने बताया कि इसमें पहले 3 स्थानों पर आने वाले बच्चों को प्राइज दिए जाएंगे, जो कि कल्चर एक्टिविटी व स्पोर्ट्स, और जिन बच्चों ने अकेडमी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है उनको प्राइज दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को लेकर बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है और सभी बच्चे कार्यक्रम में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने स्कूल के स्टाफ और अभिभावकों को बधाई दी। देश में प्याज की बढ़ती कीमतों को लेकर कांग्रेस पार्टी ने केंद्र सरकार को घेरना शुरू कर दिया है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार प्याज की कीमतों को काबू रखने में नाकाम साबित हो रही है और सरकार केवल लोगों को गुमराह करने के लिए प्याज की आयात की बात कर रही है। महिला कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पर पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने हमीरपुर में सरकार से पूछा कि प्रधानमंत्री बताएं कि कब लोगों के पास आयात किया हुआ प्याज पहुंचेगा और कीमतें कम होंगी। अनीता वर्मा ने चुटकी लेते हुए कहा कि जो नेता कांग्रेस कार्यकाल के समय में प्याज की मालाएं पहनकर प्रदर्शन करते थे, वे आज सांसद व केंद्रीय मंत्रिमंडल में होने के बावजूद कीमतों को काबू रखने में नाकाम साबित हो रहे हैं। वही बेरोजगारी पर सरकार को घेरते हुए उन्होंने कहा कि जो लोग FDI का विरोध करते थे, वे आज
एफडीआई पर चुप हैं। उन्होंने कहा कि आज छोटे व्यापारी का व्यापार बंद होने की कगार पर है और बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है, लेकिन सरकार कुछ भी नहीं कर रही है।